विश्वास तो करते हैं मगर प्रैक्टिकल वो चीजें करते नहीं है, और जब तक हम ये चीजें प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? क्योंकि हर चीज को करने से होगा। हाँ, क्या होगा? देखने से नहीं, करने से होगा, करने से। अगर उसने कहा कि अपना बोझ मुझे दो, क्या करो तो आपको देना पड़ेगा। आपके ऊपर कर्ज है, आप किसी के समस्या में आप गुजर रहे हो, आपके ऊपर कोई बड़ा हालात है या कोई भी चीज है, तो उसने कहा अपना बोझ मुझे दे दो। क्या दे दो? अपना बोझ मुझे दो। और बहुत से लोग विश्वास तो करते हैं मगर इस चीज को प्रैक्टिकल नहीं करते। क्या नहीं करते? प्रैक्टिकल नहीं करते, प्रैक्टिकल। और जब तक लोग प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक उसके सामर्थ्य, उसकी ताकत को वो देख नहीं सकते कि परमेश्वर मेरे साथ है। हाँ, एक उदाहरण है। क्या एक उदाहरण है कि एक लड़के ने को परमेश्वर ने ऐसे कहा कि उसने लिखा, परमेश्वर को प्रसन्न किया अपनी बातों से। उसने कहा कि मैं हर दुख में तेरे साथ रहूंगा। से क्या रहूंगा? मैं तेरे दुख में साथ। उसने चेक किया। क्या किया उसने? चेक किया। जैसे मूसा, जब मूसा बुलाया गया तो क्या गया? तो परमेश्वर ने कहा तुझा मिश्र में मैं तेरे साथ हूंगा। क्या हूंगा? तू मेरे लोगों को छड़ा। और ये बात तो मूसा जानता था कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ करने की क्या रखता है, ताकत रखता है। उसने एक समय अपनी बुद्धि से सोचा कि मैं कैसे विश्वास करूं कि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं कैसे विश्वास करूं कि मेरे परमेश्वर मेरे साथ है। तो मूसा के मन को परमेश्वर ने ऐसे कि उसके मन में ये विचार आ रहे हैं, तो परमेश्वर ने फिर उसे कहा कि क्योंकि उसके मन में सवाल उठ रहे थे, जैसे कई बार हमारे मन में भी कई सवाल आते हैं कि नहीं आते। हाँ, हम सोचते हैं जब हालात में होता है, कोई बंदा दुख में होता है, प्रॉब्लम में होता है, तो वो कई विचार उसके मन में आते हैं। ऐसे मूसा के मन में भी आ रहे थे विचार, जब मैं मिश्र में जाऊंगा तो मिश्र का राजा तो इतना ताकतवर है, उसके पास इतनी सेना, इतनी फौज है, उसके पास कितने हथियार है, मैं अकेला क्या कर, कैसे उन्हें छुड़ा के ले आ सकता हूं। उसके मन में कई विचार आए। तो फिर परमेश्वर ने उसे कहा मूसा अपना हाथ अपनी छाती के अंदर कर। क्या कर? अपना हाथ क्या कर? अपनी जैसे ऐसे अपनी मतलब छाती के अंदर, हाँ, अंदर कप डाल ले। जैसे परमेश्वर ने मूसा को कहा उसने अंदर डाला, फिर परमेश्वर ने कहा उसे बाहर निकाल, और जब बाहर निकाला तो उसका लिखा हाथ कोड़ से भर गया। हालेलुया, क्या हो गया? उसका हाथ कोड़ से भर गया और उसे हैरान हो गया कि सच में परमेश्वर जो कहते हैं वो होता है। फिर परमेश्वर ने कहा फिर से अपना हाथ अपनी छाती के अंदर कपड़े के अंदर डाल। फिर उसने डाला और फिर जब बाहर निकाला तो उसका हाथ जैसा था वैसा ही हो गया। आमीन, हालेलुया। और तब मूसा को विश्वास हुआ कि परमेश्वर क्या है? मेरे साथ है। क्या है? तब उसको विश्वास हुआ कि मेरे साथ है। ऐसे ही एक लड़का, ये उदाहरण है आपके लिए कि उसने ऐसे जब परमेश्वर ने उसे ऐसे कहा मैं तेरे साथ रहूंगा, तो उसने चेक किया। उसने कहा मैं देखूं कि परमेश्वर मेरे साथ है। उसने चेक करने के लिए लिखा वो समुद्र के किनारे गया, और समुद्र के किनारे क्या होती है? रेत। क्या होती है? रेत। तो जब वो समुद्र के किनारे चल रहा था तो जैसे जैसे वो चल रहा था ऐसे ऐसे दो पांव उसके थे, बोलो, ऐसे जब चल रहा था तो दो पांव उसके चल रहे थे, उसके निशान रेत पर पड़ रहे थे। क्या पड़ रहे? और साथ ही उसके दो पांव और भी चल रहे थे। क्या चल रहे थे? और कितने पांव हो गए? चार। कितने? दो उसके और दो परमेश्वर के, दो उसके खुद के और दो परमेश्वर के। और जब उसने देखा तो उसे बहुत खुशी हुई, सच में परमेश्वर क्या है, क्योंकि वो चिन्ह चाहता था। हाँ, क्या चाहता था? जैसे आज भी बहुत सारे लोग चिन्ह चाहते हैं, जैसे हमने अब इस ईस्टर में, संडे ईस्टर जो हमने मनाया, तो हमने थोमा के बारे सुना कि थोमा जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, क्या उठा? मुर्दों में से
जी उठा। तो यीशु मसीह सीधा किनके पास आया? चेलों के पास, 12 चेले। तो 12 से अलग थोमा था उस, तो जब 12 ने थोमा को बताया तो यीशु मसीह हमारे पास आया है, उसे विश्वास ना हुआ। क्या ना हुआ? उसे विश्वास नहीं हुआ कि सच में यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और वो इनके पास आया। वो कहता नहीं, जब तक, सुनो ध्यान से सुनो, मैंने कुछ आपसे कहा था, नोट करके रखना कि आज आप सुनते सुनते क्या होगे, आपके जीवन में काम होगे। अगर आप मनुष्य का नहीं सच में परमेश्वर का समझ कर ले रहे हो तो आज होने वाला है ये। आमेन। तो जब उसने सुनो सुनो मैं भूल गया मैंने क्या बता रहा था मैं, हाँ थोमा की बात, सॉरी। हाँ तो इसलिए आपका ध्यान, अब मुझे ऐसे करोगे तो फिर कुछ चीजें कट होगी, है ना। तो थोमा ने, जब 12 ने बताया कि यीशु मसीह हमारे पास आया और उसने हमसे बातें की, उसने कहा नहीं, जब तक मैं उसकी उंगलियों में, उसकी अपनी उंगलियों को उसके शेद, जो हाथ में जो शेद है उसमें ना डाल लूं, उसके पंजर में ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास ना करूंगा। क्या ना करूंगा मैं? तब तक मैं विश्वास ना करूंगा जब तक मैं उसके हाथ में जो शेद है, क्योंकि इतने इतने मोटे कीलों से उसके हाथ में क्या हो गए थे, शेद। उसने कहा मैं विश्वास ना करूंगा जब तक उसके अपनी उंगलियों के उसके शेदों में और उसके पंजर में मैं अपने हाथ ना डाल लूं। क्या ना डालूं? और लिखा ऐसे ही एक हफ्ते बाद फिर यीशु मसीह आया और थोमा को कहा कि देख, क्या यहां आत्मा में हड्डी और मांस नहीं होता, छू मुझे। क्या कर मुझे? मुझे छू। और अविश्वासी ना हो, विश्वासी हो। क्या हूं? अविश्वासी ना हो, विश्वासी हो, विश्वासी। फिर प्रभु ने कहा कि तू देखकर मुझे विश्वास करता है, धन्य है वह जो बिन देखे विश्वास करेंगे। तू मुझे देख के विश्वास करता है कि मैं मुर्दों में से जी उठाऊं, मगर धन्य है जो बिन देखे क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि वो आपके पापों को उसने क्रूस पर उठा लिया है। क्या कर लिया है? उसने अपने आपके तमाम दुखों को, अपने आपके बोझों को क्रूस पर उठा लिया है और वो लेकर मर गया। हाँ, क्या हो गया? मर गया। पर उससे भी बड़ा ये हमारे लिए खुशी की बात है। क्या हुआ? उससे भी बड़ी खुशी की बात ये है, उससे भी बड़ी खुशी की बात है कि वो मुर्दों में से जी उठाए, जी उठाए। आमीन। मैंने कहा उससे भी खुशी की बात ये है कि मुर्दों में से वो जी उठाए, जी उठाए। इससे भी खुशी की बात है, हाँ? है कि नहीं है? इसलिए उसने आपके तमाम बोझों को, दुखों को उठा लिया। इसलिए उसने कहा ना, हे बोझ तले लोगों, मेरे पास आओ और अपने बोझ क्या करो, मुझे दो। क्या दो? मुझे दो। अगर उसने कहा तो हमने प्रैक्टिकल ये चीजें करनी है। क्या करनी है? प्रैक्टिकल ये चीजें करनी है। जब तक आप प्रैक्टिकल करोगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा?